देश को अटल टनल की सौगात देने के बाद केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर में एक और टनल का निर्माण शुरू करने जा रही है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस सुरंग के निर्माण के लिए पहला ब्लास्ट किया है। सेना और सिविल इंजीनियर्स की एक छोटी की टीम जोजला दर्रे के पहाड़ को काट कर इस सुरंग का निर्माण करेगी। ब्लास्ट करिए, ब्लास्ट सभी सम्मानित सर, मंजीत नेगी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। मंजीत नेगी, सामरिक दृष्टि से देखा जाए तो कितनी अहम होगी ये सुरंग? रवजोत, बहुत अहम सुरंग है जोजिला दर्रा, क्योंकि श्रीनगर से अगर करगिल होकर लेह पहुंचना है तो ये काफी समय से कोशिश की जा रही थी कि दर्रे के अंदर एक 14 किलोमीटर लंबी टनल बनाई जाए। कई प्रयास इससे पहले एक तरह से असफल हो चुके हैं इस टनल को बनाने के, लेकिन अब इस पहले प्रयास में कोशिश की जा रही है एक सफलता में लेकर आज इस तरह से पहला ब्लास्ट टनल को बनाने के लिए किया गया। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री है नितिन गडकरी, उन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस ब्लास्ट को अंजाम दिया गया, तो एक बड़ी सफलता होगी क्योंकि श्रीनगर से लेह करगिल होते हुए ले जाने का जो रास्ता है वो जोजिला पास की वजह से 6 महीने बंद रहता है, और सेना की जो आप खासतौर से अगर सामरिक तौर पर सेना की आवाजाही देखें तो उसके लिए मुश्किलें होती हैं, लेकिन काफी लंबे समय से कोशिश की जा रही थी कि जोजिला के अंदर से एक टनल निकाली जाए, और उसकी अगर लंबाई की बात करें तो ये 14 किलोमीटर लंबी टनल होगी जो करगिल द्रास होते हुए लेह तक पहुंचेगी। और अब काफी प्रयास के बाद इससे पहले भी कोशिशें की गई लेकिन उसमें सफलता नहीं मिली थी नवजोत, और आप उम्मीद की जा रही है कि जिस तरह से रोहतांग टनल का पिछले कुछ समय पहले प्रधानमंत्री मोदी ने उद्घाटन किया, तो ये एक तरह से लेह करगिल और इस सामरिक इलाकों में पहुंचने के लिए दूसरा जो एक्सेस है, अगर ये टनल बनने में कामयाबी मिलती है तो बड़ी बात होगी सेनाओं के लिए। जी बिल्कुल मंजीत, लेकिन देखिए सबसे बड़ी बात की कि ये जो उद्घाटन है ये उस समय में हो रहा है, जो शिलान्यास है ये उस समय में हो रहा है जब लद्दाख की LAC पर चीन के साथ तनाव है हिंदुस्तान का, और ऐसे समय में इस तरह के निर्माण, पहला अटल टनल और दूसरा इसकी शुरुआत होना। बिल्कुल नवजोत, और चीन की परेशानी की वजह भी यही रही है कि भारत इतनी तेजी के साथ खासतौर से सामरिक सड़कों, पुलों और सुरंगों का निर्माण कर रहा है, उसको लेकर चीन की परेशानी रही है। लेकिन अगर आप पिछले 4 महीनों में देखें तो भारत ने खासतौर से जो सामरिक सड़क संगठन DRO है उसके जरिए जिस तरह से कुछ समय पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी करीब 40 से ज्यादा सामरिक पुलों का उद्घाटन किया, यहाँ अगर हम लेह लद्दाख से जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल और अरुणाचल तक की बात करें, अलग अलग इलाकों में जो पुल निर्माण थे, सामरिक पुल थे, जो सामरिक सड़कों को, सरहद तक जाने वाले सड़कों को जोड़ने वाले पुल थे, उनका निर्माण हुआ। और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल सुरंग का, जो कि रोहतांग से लेकर लेह को जोड़ने वाली टनल है, उसका भी उद्घाटन हुआ है। और अगर आज का जो जोजिला टनल पास की हम बात करें तो इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2013 से 2018 के बीच में 5 बार इस तरह के प्रयास किए गए जोजिला टनल के अंदर। मंजीत, आपको रोकना चाहेंगे, आप रोकना चाहेंगे, लेकिन इस वक्त क्या कह रहे हैं नितिन गडकरी, आइए सुनते हैं। विशेष रूप से DG, हमारे NHAI DCL के सभी अधिकारीगण, प्रजावत से लेकर सभी लोगों ने बहुत मेहनत की है, हमारे MD पाठक, इन लोगों ने ये सब मेहनत की, और ये जब कमिटी गई तो कमिटी ने अध्ययन करते हुए स्विट्जरलैंड के सैन गोथार्ड सुरंग को, टनल का अध्ययन किया, इटली और फ्रांस के बीच बनी मोंट ब्लॉक सुरंग इसका अध्ययन किया, नॉर्वे की लायरदल सुरंग, लार्जेस्ट टनल, इसका भी उन्होंने अध्ययन किया, और हमने सब नई टेक्नोलॉजी लाई, नए ये लाए, डिजाइन में चेंजेस भी किए। मैंने कहा हमारा देश गरीब है, हजारों करोड़ फॉरेन के कंसल्टेंट हमको दे और हम उनके इशारे पर काम करें, ऐसा नहीं होगा। टनल में हमने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया सेफ्टी के साथ, अभी आपने फिल्म में देखा हमने सब प्रकार का टेक्नोलॉजी अंदर लाई है, पर वर्टिकल शाफ्ट से हमें कहा गया, अब वो जो हमने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की टनल तैयार की है जिसका जितेंद्र सिंह जी ने उल्लेख किया, बहुत सुंदर टनल है, और उसके लिए एस्केप टनल बनाई गई है। अब ये एस्केप टनल बनाना हमारे देश के गरीब देशों के लिए कहां से होगा, हमारे पास पैसा नहीं है, हमको और ज्यादा काम करना है,
और इसलिए मैंने कहा इस प्रकार जो यूरोपियन और अमेरिका में हुआ वो काम